हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। हमको दो कलर का फैब्रिक चाहिए, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको टू टाइप ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने के लिए हमको 3x3 का पीस चाहिए। ये सब हमारा 3x3 का पीस है। तो इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। मतलब एक लाइन में 5 ये ब्लॉक लगेगा। एक रॉ जो है 5 ब्लॉक इसमें आएगा, यानी टोटल हमको ये 25 पीस इसमें लगा होना चाहिए। और इन सबको एक साथ हम सिलेंगे तो हमारा ये पीस इस तरह से बनेगा। ये दूसरा ब्लॉक बनाएंगे जो इस तरह से बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको ये पीस चाहिए जिसका मेजरमेंट है 14। इसका लेंथ जो है 14 है और इसका विड्थ जो है 8.5 है। और दो पीस इस तरह से चाहिए जो इधर से 3 है और इधर से 8.5 है। ये दो तरह का ये पीस चाहिए। और हम ये जो है 4 पीस चाहिए में लगाने के लिए। इसको हम इस तरह से सिलेंगे तो हमारा ये पीस इस तरह से बनेगा।
फ्रेंड्स याद रखिए, अगर हम ये जो पीस बना रहे हैं तो इसके कॉर्नर पर हम ये वाला कलर लगाएंगे, क्योंकि इसके कॉर्नर पर ये वाला कलर लगा है तो इसके कॉर्नर पर इस तरह का कलर लगेगा, नहीं तो हमारा ये डिजाइन बिगड़ जाएगा। ये इस तरह से आएगा। तो पहले मैं इन सब को सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये सब ब्लॉक्स रेडी हो गया है, तो अब हम इसको एक साथ जॉइंट करेंगे। पहले हमारा ये पीस लगेगा, फिर ये लगेगा, इसके नीचे ये लगेगा। इसको सेट करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से इसको जोड़ा जाएगा। तो पहले मैं इसको एक साथ फैलाकर फिर दिखाती हूँ। ये हमारा सेट करने के बाद कुछ इस तरह से डिजाइन दिखेगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से ब्लॉक बनाइए और एक दूसरे के साथ जोड़ते जाइए। ये हमारा सिंगल बेड शीट के लिए है। आप अगर डबल बनाना चाहते हैं तो इसमें एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं, सॉरी एक दो लाइन नहीं, अपने बेड के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप बेड शीट बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।